पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते हर हर महादेव। 4/9/2017 को 1/4/21 सूत्र पूरा हुआ था ब्रह्मसूत्र का। 22वां सूत्र शंकर भाष्य आज प्रारंभ हो रहा है। अवस्थिते रीति काश कृष्ण काश कृष्ण नामक आचार्य का यह कथन है कि जीव रूप से कोई अन्य नहीं, साक्षात ब्रह्म तत्व ही प्रतिष्ठित या विद्यमान है। ब्रह्म की ही अवस्थिति जीव रूप से है, किसी अन्य की नहीं। केवल औपाधिक धरातल पर ब्रह्म से जीव पृथक परिलक्षित होता है। उपाधि का निरसन कर देने पर जीव अपने मौलिक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त होता है। उपाधि भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय उपाधि के योग से जीव संज्ञा तात्विक नहीं है। साथ ही साथ भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग अपने भाष्यों में एक तथ्य प्रकट करते हैं, संज्ञा मिथ्या है। न कि तत्व मिथ्या है, जिसकी जो संज्ञा है उसके मिथ्यात्व को व्यक्ति उस पर मर देते हैं। जैसे कोई चोटी वाला व्यक्ति है, शिखा उच्छिन्न कर दी उसने, चोटी कट गई, तो चोटी के शिखा के ध्वंस को यूँ बोलते हैं, शिखी ध्वस्ता है। तो वास्तव में शिखी संज्ञा का अपलाप हुआ, शिखी चोटी वाला नहीं रहा, व्यक्ति का अपलाप तो नहीं हुआ ना, शिखी ध्वस्ता है। तो क्या हुआ, शिखी ध्वस्त हो गया। तो व्यक्ति ध्वस्त हुआ या शिखी संज्ञा ध्वस्त हुई। इस रहस्य को न जानने वाले अधकचरे आधुनिक वेदांती जो हैं वो जीव ईश्वर सबको मिथ्या ही मान लेते हैं। जीव संज्ञा मिथ्या हो है, ईश्वर संज्ञा मिथ्या है। अप्रोक्षानुभूति में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को ख्यापित किया कि जब कार्य के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तो वस्तु की कारण संज्ञा लुप्त होती है या कारण का ही अपलाप हो जाता है। पुत्र है तो पुत्र की उपाधि से किसी व्यक्ति की पितृ संज्ञा है, पिता उसको कहते हैं। पुत्र न रहने पर पितृ संज्ञा पिता संज्ञा का लोप हुआ, व्यक्ति का भाव नहीं हुआ। एक देवता है हमारे शिष्य भी कहने में मुझे बहुत संकोच लगता है, विद्रोही गुरुद्रोही कभी अनुगामी थे, एक कुचक्र जो चल रहा है उस चपेट में सबसे बड़े विद्रोह का काम करने वाले कोई दंडी स्वामी हैं वृंदावन में। वो जब मुझसे
भामती पढ़ने आए वेदांताचार्य वेदांत शास्त्री में ऊपर रहे थे। सबसे पहले मुझसे कहा ईश्वर मिथ्या है ना, हमने कहा तुम मिथ्या हो या नहीं? नहीं, मैं कैसे मिथ्या हूँ, तुमसे भी ईश्वर घटिया है तो मिथ्या हो जाएगा। तुम अपने शरीर को सत्य मानते हो, शरीर और आत्मा का विवेक नहीं है, तुम्हारा वेदांत ईश्वर मिथ्या है यहाँ से शुरू होगा तो कहाँ जाओगे तुम? जहाँ जाना था पहुँच गया व्यक्ति। ईश्वर मिथ्या, अरे जीव जब औपाधिक धरातल पर विश्व है, स्थूल स्थूल शरीर कारण सूक्ष्म शरीर से युक्त स्थूल शरीर में तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम विश्व होता है, तो समष्टि में भगवान का नाम वैश्वानर हो जाता है, तो भगवान घटिया कहाँ हुए? कारण और सूक्ष्म दोनों शरीरों में कार्यों में कारण और सूक्ष्म कार्य में तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम व्यष्टि में तेजस होता है, तो समष्टि में उसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है, और व्यष्टि में कारणोपाधिक चित धातु का नाम प्राज्ञ होता है, तो समष्टि में उसका नाम अंतर्यामी सर्वेश्वर हो जाता है। शोधित अहमर्थ का नाम क्या होता है? कूटस्थ तुरीय, तो विभु कूटस्थ तुरीय का नाम ब्रह्म हो जाता है। कहीं भी तो भगवान घटिया नहीं सिद्ध होते, तुम व्यष्टि हो तो वो समष्टि हैं। तो जिसका वेदांत ईश्वर को मिथ्या सिद्ध करने से ही शुरू होता है, फिर हमने कहा तुमको ये नहीं मालूम है कि ईश्वर मिथ्या है लिखा कहाँ है? उपनिषदों में दो जगह लिखा है कि ईश्वर मिथ्या है, तो गुरुगम्य विद्या इसलिए है कि गुरु के मुख से नहीं पढ़ेगा, गुरु भी कैसा चाहिए, स्वयंभू नहीं, अपने आप गुरु बन गए, कुछ व्याकरण पढ़ लिया, कुछ साहित्य पढ़ लिया, वेदांत पढ़ाने लगे मार डालेंगे। इसलिए परंपरा से अध्ययन हो। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है विविध शास्त्रों को जानने वाला भी संप्रदायवित नहीं है, संप्रदाय परंपरा से उसको दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं है, मूर्खवत उसको समझ कर जैसे मूर्ख की उपेक्षा की जाती वैसे कर दे। यह संप्रदायवित, संप्रदाय परंपरा से ज्ञान विज्ञान आना चाहिए, नहीं तो ऐसी गुत्थियाँ हैं जो व्यक्ति सुलझा न पा करके नास्तिक श्रोमणी या व्यभिचारी बन जाता है। इसीलिए संज्ञा मिथ्या है। तो यहाँ पर अवस्थिते इति काश कृष्ण, काश कृष्ण ऐसा नाम अब नहीं होता है, ये सब जो नाम लिखे हैं इससे पहले जो नाम था औडुलोमी, औडुलोमी ऐसा नाम आजकल कहाँ होता है? अच्छा, 20वें सूत्र में आस्मरथ्य, आस्मरथ्य 21वें में औडुलोमी, औडुलोमी 22वें में काश कृष्ण, ये सब वैदिक ऋषियों के या प्राचीन ऋषियों के नाम हैं, अब इस प्रकार का नाम नहीं होता है। भगवान के अवतार के बाद में नाम पर भी प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से राम कृष्ण ये सब नारायण नाम अजामिल ने अपने बेटे का रखा था, फिर राम कृष्ण परक नाम अधिक हो गए, देवी दुर्गा आदि परक, पुराने नाम अब कट गए, काश कृष्ण और डुलोम आदि ये पुराने नाम हैं। एक आचार्य हुए हैं उनका पक्ष रखा, यह श्रुति सम्मत पक्ष है। इससे पहले जो दो आचार्यों का नाम लिया है ब्रह्मसूत्रकार ने, वेद को प्रमाण मानते हैं, उपनिषदों का तात्पर्य भी अपनी विधा से अभिव्यक्त करते हैं, तथापि वे वेदों के वास्तविक तात्पर्य को प्रकट न कर सकने के कारण उनका जो मत होता है वो वेद सम्मत नहीं माना जाता। बहुत ऊंची बात। एक वाम मार्गी था कश्मीरी, बहुत ऊंचा विद्वान था,
वो शास्त्रार्थ में जीतते जीतते काशी आ गया। उसने कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ जो करे, मुझको जीते, तो मैं मानूं कि काशी काशी है। लेकिन शास्त्रार्थ की शर्त क्या है? शिखरणी, संस्कृत में शिखरणी छंद में शास्त्रार्थ हो, माने तत्काल बना के शास्त्रार्थ जो हो शिखरणी छंद में हो। तो जो विद्वान थे वो कागज़ कलम लेकर बैठकर एक घंटे में दो चार श्लोक तो शिखरणी छंद के बना सकते थे। अब तत्काल बनाते जाओ, उसमें कहीं अशुद्धि ना हो, छंदोबद्ध शास्त्रार्थ। तो 3/4 क्या 99% विद्वान वहीं ख़त्म हो गए, इससे कौन शास्त्रार्थ करे। फिर उसकी शर्त ये थी, जहाँ जहाँ वो शास्त्रार्थ में जीता था, ये जो वाम मार्ग है या वैदिक है उसका पक्ष था। जो शास्त्रार्थ में हारे पंडित कहीं बाहर, उनका पक्ष था अवैदिक है, वो दबोच देता था। काशी में फिर हाहाकार मच गया, तो पूज्य गुरुदेव के विद्या गुरु जी विश्वेश्वर आश्रम जी महाराज ने कहा मैं शास्त्रार्थ करूँगा। हाँ, क्योंकि श्रृंगेरी के शंकराचार्य आदि कोई भी आए पहले, उन्होंने काशी को चुनौती दे दी, तो दाक्षिणात्य ब्राह्मण भी भिड़ गए कि आप आचार्य हैं, आपका सम्मान है, लेकिन और हम भी दाक्षिणात्य हैं, लेकिन काशी को चुनौती देंगे तो हम काशी में रह रहे हैं, वो नहीं सही होगा। काशी गई तो मानो विश्वेश्वर की हार हो गई, काशी के प्रति इतना सम्मान। इसलिए कोई भी काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती ना दे, और अगर दे भी दे, काशी की इज्जत का प्रश्न होता है। काशी अगर हार गई, माने काशी के विद्वान अगर हार गए, मानो विश्वम्भर हार गए विश्वनाथ। तो पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने विद्या गुरु विश्वेश्वर आश्रम जी ने कहा वाम मार्ग वेद सम्मत है, आधा पारा तो उसका यूँ डाउन हो गया, और कहा मैं भी शिखरणी छंद में ही शास्त्रार्थ करूँगा। फिर उन्होंने कहा लेकिन वेद का तात्पर्य नहीं है, क्या वेद का तात्पर्य नहीं है, लेकिन वैदिक है वाम मार्ग। अब दो विधा होती है, वेद का तात्पर्य नहीं है तो आंशिक वैदिक को, आंशिक वैदिक को अवैदिक मान लेते हैं। वेद का तात्पर्य नहीं है माने वेद सम्मत नहीं है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि वेद सम्मत नहीं है वाम मार्ग, भरत जी ने जो शपथ खाई है। तज श्रुति पंथ वाम पथ चल ही, श्रुति का मार्ग छोड़ करके वाम पथ चलते हैं। तो तुलसीदास जी से पंडित शास्त्रार्थ करता, तुलसीदास जी से हार जाते। तुलसीदास ने ठीक लिखा, जिसमें जिसका तात्पर्य नहीं है, ठीक है, वेदों का तात्पर्य वाम मार्ग में नहीं है, लेकिन उनका कहना था वेद सम्मत है वाम मार्ग। अब गीता से वाम हमारा विषय यहाँ यह नहीं है, पर ये ग्रंथ ही लिख रहे हैं। अभी अश्विन से प्रारंभ करेंगे, 480 पे लिख चुके हैं, मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, उसमें 100 पेज तो केवल वाम मार्ग पर लिखा है, वो लगभग 700-650 पृष्ठों का ग्रंथ होगा। तो उसमें एक विचित्र बात है कि वाम मार्ग तुलसीदास जी ने कह दिया कि तज श्रुति पंथ वाम पथ चल ही, श्रुति का मार्ग छोड़ करके वाम मार्ग पर चलते हैं, माने श्रौत नहीं है वाम मार्ग। लेकिन गीता से भी वाम मार्ग निकाल सकते हैं, मध्याजी मध्य और बकरे का मांस खाओ, मध्याजी माम नमस्कुरु, मध्य और आजी। और हुक्का पीने को भी निकाल सकते हैं गीता से, लो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तिया प्रयक्षति। निगमानंद जी का संप्रदाय है ना, वहाँ उनके कक्ष में हुक्का रखा जाता है, एक बार आग भी लग गई थी यहाँ, अवेदानंद जी का व्यवस्थापक, हुक्का पीने के लिए रखा जाता है। तो पत्रम चीलम में डालते हैं ना, गुरगुराहट में, पत्रम
पुष्पम वही पुष्प होता है भांग के उसका गाजा का, फलम नारियल के फल में रखते हैं, तोयम पानी रखते हैं, फिर गुरगुराते हैं। हुक्का पीने का ही समर्थन करना हो तो गीता से करवा लो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक हमको जो हुक्का निवेदित करता है। मद्याजी मद्य मत याजी नहीं मद्याजी, मद्य और आजी अज बकरा उसका मांस मद्याजी माम नमस्कार। गीता से भी कोई चाहे तो वाम मार निकाल सकता है, लेकिन तात्पर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परम तात्पर्य श्रुतियों का वो नहीं है जैसा कि पूर्व दो आचार्यों ने व्यक्त किया, जिनका नाम हमने लिया काश कृष्ण नामक जो महानुभाव हैं, ये श्रुति के रहस्य को व्यक्त करते हैं। तो इनका मत श्रौत सिद्धांत है। तो दो विधा हो गई, वैदिक या श्रौत कह के फिर तात्पर्य नहीं है वेदों का इसमें यह सिद्ध करें। दूसरा पक्ष है कि तात्पर्य नहीं है तो मानो वैदिक है ही नहीं, जिसमें जिसका तात्पर्य नहीं, जिसमें जिसका तात्पर्य नहीं उसके नाम पर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है यह अभिप्राय। एक ने कहा कि वो आना चाहते हैं 10-12 साल पहले, मैंने कहा मत आने दो, मत आने दो। वो बहुत चतुर था, उसने कहा कहा नहीं रोको मत आने दो, मैंने कहा रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। कहा महाराज बुला रहे हैं तुम कह रहे हो, हमने कहा रोको मत आने दो। वो सुन रहा था बड़ा चतुर था कहीं का, उसने कहा महाराज कह रहे हैं रोको मत आने दो। अब उसके चपेट में आ गया वो व्यक्ति कौन जिसको मैंने कहा था रोको मत आने दो, सुनने वाले वो सुन रहा था, उसने कहा महाराज के रोको मत आने दो। तो तात्पर्य मेरा क्या था रोकने में, निकाल लिया कि आने में, रोको मत। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील बहस कर रहे थे, जज को साला कह दिया। कौन साला कहता है, अब तो फिर मानहानि का केस हो गया। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि एक ब्राह्मण की बात है, अपने एक मित्र से कहा भाई इसको बचाओ नहीं तो इसके घर ही बर्बाद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। और रात में 2 बजे वकील सोच रहे थे कल वकालत करना है, कौन सा लॉ कहता है। कौन सा कानून कहता है, वो था कहीं मुंह से गाली निकल गई थी कौन सा ला कहता है। लेकिन वो आ गया कौन सा, ताला भी दंड छोड़ो, कौन सा लॉ कहता है। अब तो फिर जीत हो गई बेचारे की। यह है तात्पर्य क्या था, तात्पर्य में तो गाली ही उसने दी थी, लेकिन कौन सा लॉ कहता है रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, ये बन जाता है। इसी प्रकार से वाम मार्ग, छांदोग्य उपनिषद से भी वाम मार्ग निकाल सकते हैं कई जगह से, लेकिन उसमें तात्पर्य श्रुति का नहीं है। तो अन्य दो आचार्यों ने जो जीव को लेकर भाव व्यक्त किया, वास्तव में श्रुति का तात्पर्य उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों का अनुशीलन करने पर वह सिद्ध नहीं होता। अवस्थिते रीति काश कृष्ण समग्र प्रकाश काश कृष्ण अस्य परमात्मनो नेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् उपपन्नमिदम् अभेदेन उपक्रमणम् इति काशकृष्ण आचार्यो मन्यते। भाष्य है अस्य परमात्मनः, यह जो परमात्मा है यही विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत् अनेन जीवेन आत्मनानुप्राविशत् आदि श्रुतियों के अनुसार जिस परमात्मा ने
अमुक अमुक तेज जल पृथ्वी अमुक अमुक कार्यों की संरचना की। उसी परमात्मा ने इनको विस्तृत स्थूल प्रपंच का रूप प्रदान करने की भावना से इनमें जीव भाव से प्रवेश किया। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत। यहाँ पर अवश्य ही ब्रह्म और जीव का एकत्व परिलक्षित होता है। जिसने अमुक अमुक की सृष्टि की उसी ने उनमें प्रवेश करने के बाद अमुक अमुक कार्यों का संपादन किया। तो सृष्टा और प्रविष्ट होने वाला, प्रविष्ट होने के बाद अमुक अमुक कृत्य का निर्वाह करने वाला एक सिद्ध होता है। अस्यैव परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात्मभावेन विज्ञानात्मभाव से प्रवेश किया। उपस्थान अवस्थानात् हमारे आपके जीवन में भी सृष्टि में भी या जो परमात्म तत्व है जिसने पहले सृष्टा के रूप में अमुक अमुक तत्वों की संरचना की उसी ने आगे के कार्य के संपादन की भावना से स्वयं को जीव रूप में व्यक्त किया अर्थात जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से परमात्मा की ही जीव रूप से अवस्थिति हुई या हुआ। अभेदेन उपक्रमणम इति, इस प्रकार दोनों का भेद हो गया। जिसने सृष्टि की उसी ने प्रवेश किया, सृष्टा का उस प्रवेश करने वाले से कर्तृत्व हो गया। सृष्टा ही प्रविष्ट होकर जीव भाव को प्राप्त हुआ अर्थात उसकी जीव संज्ञा हो गई। तो सृष्टा प्रविष्ट होने वाला और प्रविष्ट होने के बाद जीव संज्ञा जिसकी प्राप्त हुई उसमें एकत्व है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के एकत्व का ही वर्णन सिद्ध होता है। यह काश कृष्ण नामक आचार्य का कथन है जो कि श्रौत सिद्धांत है। श्रौत सिद्धांत माने श्रुति के तात्पर्य का अभिव्यंजक सिद्धांत है। तात्पर्य किसको लेकर व्यक्त करते हैं? तात्पर्य की अभिव्यक्ति छह लिंगों के द्वारा होती है। उपक्रमोपसंहार मिलकर एक उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता अर्थवाद और फल उपक्रमोपसंहार आदि सर्वविध लिंगों के द्वारा वेदांतों का जो परम तात्पर्य होता है वही वेद सम्मत मान्य होता है। अन्यथा अगर कोई तात्पर्य निकालता है तो वेद असम्मत माना जाता है यह अभिप्राय। जिसमें जिसका तात्पर्य नहीं उसका उसको समर्थन प्राप्त नहीं यह अभिप्राय। तथा च ब्राह्मणम, भगवत पाद कहते हैं काश कृष्ण महोदय ने जो प्रवेश श्रुति के आधार पर ब्रह्म और जीव के एकत्व को सिद्ध किया इस संबंध में यह ब्राह्मण वचन भी है। अब यह सब प्रथा लुप्त हो रही है। श्रुतियों में कितना अंश ब्राह्मण है कितना मंत्र है, छांदोग्य श्रुति के 6.3.2 को उद्धृत किया भगवान शंकराचार्य ने, उसका नाम दिया ब्राह्मण, ब्राह्मण भाग है। तथा च ब्राह्मणम, इस संदर्भ में यह ब्राह्मण है जिसके आधार पर आचार्य काश कृष्ण जी ने क्या किया है, जीव की ब्रह्म रूपता को ख्यापित किया है क्योंकि ब्रह्म ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ। अब बहुत बढ़िया विभाजन है, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच का पंचदशी नामक ग्रंथ, बहुत अद्भुत ग्रंथ है वह। तंत्र शास्त्र क्या, हम तो सन 60 में 58 तंत्र ग्रंथ पढ़े थे, सन 60 में। तो ये जादू टोना महारन मोहन वाला नहीं, सैद्धांतिक धरातल। हमारे बड़े भाई ने डालमिया जी के पुस्तकालय से ला के दिया, इसे पढ़ा करो।
संसाठ में 58 तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया था। वो संस्कार था तब वो मंत्र तंत्र और यंत्र नामक ग्रंथ एक अद्भुत ग्रंथ होगा तंत्र शास्त्र पर। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ तो उसमें अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी यह ब्राह्मण भाग है। इसमें कहा गया अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी जीव रूप से परमात्मा ने प्रवेश किया और प्रवेश के बाद क्या किया नाम रूप का व्याकरण किया विस्तार किया। पंचदशी नामक ग्रंथ तंत्र शास्त्र पर ध्यान गया तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक प्रकरण है कि जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच। ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो जीव के लिए बंधन में हेतु नहीं है, वो तो मोक्ष में हेतु है। मानी मानी बंधन में आयो जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वही जीव के बंधन में हेतु है, वो है अहंता ममता। भगवान के ओर से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति भी हमारे कर्मों के अनुसार। अब इसमें हम बंध गए, इसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए न करके इसमें अहंता ममता कर बैठे, ये हमारी हो गई सृष्टि। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हमारी सृष्टि हो गई। भगवान जीव रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर जीव जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति के वशीभूत होकर अहंता ममता आदि स्थाप करता है, फिर बंधन को प्राप्त होता है, सब जीव की सृष्टि। इसी प्रकार से तथा च ब्राह्मणम अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्येवं जातीयकम परस्यैव आत्मनो जीव भावेन अवस्थानम दर्शयति। इस प्रकार से जो श्रुतियाँ हैं जातीयकम माने इस प्रकार के बहुत से श्रुतियाँ हैं जाति वर्ग। इस प्रकार की जो श्रुतियाँ हैं परम तत्व जो परमात्मा है उसी की जीव भावापत्ति को दर्शाती हैं। और जाति में एक वचन करके दर्शयति, इस प्रकार की श्रुति परमात्मा की ही जीव रूपता को दर्शाती है। मंत्र वर्णश्च वो ब्राह्मण हो गया ये मंत्र। तैत्रीय आरण्यक में मंत्र कौन सा मंत्र है मंत्र वर्णश्च आप में क्या पाठ है यही है ठीक। मंत्र वर्णश्च इसमें मंत्र वर्ण भी है, मंत्र समुदाय भी है, मंत्र भी है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा भी वदन यदास्ते तैत्री आरण्यक 3:12:7 इत्येवं जातीय का। इस प्रकार के बहुत से मंत्र हैं जो इसी तथ्य को ख्यापित करते हैं। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा भी वदन यदास्ते जानाति क्षति करोति यस्य ज्ञानमयं तपः आदि वचनों के अनुसार परमात्मा ने क्या किया जिन जिन कार्यों की संरचना करनी थी उनको अपने मानस पटल पर व्यवस्थित किया। फिर क्या किया जीव रूप से प्रविष्ट होकर जो शिष्ट जितना अंश जगत का था जीव का उपभोग्य बनाने के लिए फिर उसको विस्तृत कर दिया। न च तेज प्रभृति नाम शिष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि श्रुता। अब कहते हैं छांदोग उपनिषद के अनुसार तेज प्रभृति नाम शिष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि श्रुता। तेज की उत्पत्ति हुई उपलक्षण है। तैत्र उपनिषद में प्रथम कार्य के रूप में आकाश का वर्णन है, द्वितीय कार्य के रूप में वायु का वर्णन है, तृतीय कार्य के रूप में तेज का वर्णन है, चौथे कार्य के रूप में जल का वर्णन है, पांचवें कार्य के रूप में पृथ्वी का वर्णन। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में
तेज का वर्णन पहले है, जल का है, पृथ्वी का है। पृथ्वी के स्थान पर अन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। वायु आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है, उपलक्षण है। अर्थात शेष दो भूत जो हैं आकाश और वायु, इनका ग्रहण तैतृय उपनिषद से कर लेना चाहिए। तो तेज की परमात्मा ने तदैक्षत से इक्षण चक्र, तो तेज की सर परमात्मा ने संरचना की। तटस्थ लक्षण लक्षित सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में तेज की रचना की, उसके बाद जल की रचना की, उसके बाद अन्न रूप पृथ्वी की रचना की। इसमें जीव को उन्होंने रचा ऐसा तो नहीं है कहीं। तो जीव कारी कोटि का पदार्थ कैसे सिद्ध होगा, यह भगवान शंकराचार्य ने कहा। तेज की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किसने उत्पत्ति की, किसने इन्हें उत्पन्न किया, किससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, इनकी उत्पत्ति हुई, उसी ने इनको उत्पन्न किया। क्या हुआ, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई उसी ने इनको उत्पन्न किया, यानी कर्तु प्रकृति। जिससे इनकी उत्पत्ति हुई उसी ने इन्हें उत्पन्न किया, अर्थात जो इन रूपों में उत्पन्न हुआ उसी ने इनको उत्पन्न किया। निमित्त कारण भी परमात्मा, उपादान कारण भी परमात्मा। तो इसमें कहीं जीव का नाम तो नहीं है कि जीव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ये जो भूत की उत्पत्ति का वर्णन है, भूत वर्ग, आकाश हो, वायु हो, तेज हो, जल हो, पृथ्वी हो, इनमें कहीं भी तो जीव उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं लिखा गया है। तो कारी कोटि का पदार्थ जीव को कैसे मानेंगे, भगवान ही उपाधि विशेष के योग से जीव रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। तो जो जिस रूप से अभिव्यक्त होता है उसका वही मौलिक स्वरूप होता है। जैसे भगवान विष्णु ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होते हैं, तो रामकृष्ण आदि की विष्णु रूपता ही सिद्ध होती या जीव रूपता से सिद्ध होती, ऐसे ही। हाँ, ये जड़ हैं, वो चेतन है, जीव चेतन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जड़ हैं। न च तेज प्रभृतीनाम सिष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि सुता येन परस्मात् आत्मनो अन्यस्तद् विकारो जीवास्यात्। अगर ऐसा होता तो परब्रह्म परमात्मा से भिन्न उसके विकार के रूप में जीवात्मा की सिद्धि होती। जैसे कि आकाश, वायु, तेज, ये कारी कोटि प्रविष्ट भूत हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पंचभूत हुए, या तेज, जल, पृथ्वी ये परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा ने इन्हें उत्पन्न किया। तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः। तदैक्षत जिससे उत्पन्न हुए उसी ने इनको उत्पन्न किया। तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी या तेज, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति का जिस प्रकार वर्णन है उस प्रकार जीव की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। न च तेज प्रभृति नाम सिष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि सुता ये न परस्माद् आत्मनो अन्यः तद विकारो जीवस्यात्। विकार माने कार्य, परमात्मा से पृथक अन्य उसके विकार के रूप में, कार्य के रूप में जीव हो, यह विकार का अर्थ होता है कार्य। परमात्मा का विकार जीव नहीं है, विकार माने कार्य होता है। दर्शन शास्त्र में विकार का अर्थ होता है कार्य, और कहीं कहीं विकार का अर्थ होता है रजोगुण, कारो विक्षेप है, विकार है का अर्थ क्या होगा, कारो विक्षेप, विक्षेप रजोगुण हो जाता है विकार। लेकिन यहाँ पर विकार का अर्थ है कार्य। वैकारिक, वैकारिक का अर्थ होता है कहाँ पर, सांख्य के अनुसार राजस, कारो विक्षेप किसने लिखा,
श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध की टीका में काश कृष्णस्य आचार्यस्य अविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम्। काश कृष्ण जो आचार्य हैं उनकी दृष्टि में तो अविकृत परमात्मा ही जीव है, न कि कोई अन्य। सब धन वाइस पसरी नहीं। अब यह है कि बाद दो प्रकार का होता है, वैसे साहब अब जो लक्ष्यार्थ होता है जीव का वो तो सीधे उसका ऐक्य हो जाता है, वाच्यार्थ अंश जो होता है उसका बाद हो के एक ऐक्य होता है। जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव न परः सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तो जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, अंतर क्या है? जीव का नहीं, जगत का बाद होगा, फिर उसकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होगी। और ब्रह्म सीधे जीव रूप से अभिव्यक्त है, तो जीव की ब्रह्म से साक्षात एकता होगी। जगत यदि उपाधि कोटि में जाएगा तो जीव उपहित कोटि में चला जाएगा, ऐसा मुख्य सामानाधिकरण बाद सामानाधिकरण। जगत की ब्रह्म रूपता होगी इसके मिथ्यात्व की सिद्धि के बाद में, लेकिन ब्रह्म तो सीधे जीव रूप से व्यक्त हुआ है, अतः ब्रह्म की साक्षात जीव रूप से अभिव्यक्ति है। लेकिन प्रकृति के द्वार से तेज इत्यादि कार्य प्रपंच की उत्पत्ति हुई है, अंत में एक एक कार्य अपने अपने कारण में लीन होता जाएगा, अंत में मूल कार्य जो होगा प्रथम कार्य उसका लय प्रकृति में होगा। प्रकृति अनिर्वचनीय परमात्मा की शक्ति होगी, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होगा। अनिर्वचनीय प्रकृति का तात्विक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सिद्ध होगा। इस प्रकार से प्रकृति और प्रपंच की ब्रह्म रूपता सिद्ध हो जाएगी, लेकिन यहाँ ब्रह्म ही जीव रूप से अवस्थित है। इस प्रकार जीव प्रत्यासत्य विशिष्यते पंचदशी का एक सिद्धांत है। जीव की साक्षात सन्निकटता से ब्रह्म रूपता सिद्ध है। जगत की द्राविड प्राणायाम से, दक्षिण वाले जो प्राणायाम करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, वो द्राविड प्राणायाम कहते हैं। जगत भी ब्रह्म होगा, उसको ब्रह्म सिद्ध करने की प्रक्रिया प्रथा अलग है, और प्रत्यासत्य विशिष्यते जीव की ब्रह्म रूपता साक्षात सिद्ध हो जाती है। आत्मरथ्यस्य तो यद्यप जीवस्य परस्माद अनन्यत्वम अभिप्रेतम तथापि प्रतिज्ञा सिद्धे इति सापेक्षत्वाभिधानात् कार्य कारण भावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते। आत्मरथ्य जी का जो सिद्धांत पहले सूत्र रूप में चित्रित किया गया उसकी समीक्षा करते हैं। काश कृष्ण के मत से सूत्रकार और भाष्यकार सहमत हैं, आत्मरथ्य के मत से सहमत नहीं है, औडुलोमी के मत से भी पक्ष से भी सहमति सूत्रकार की और भाष्यकार की नहीं है, इसी को दर्शाते हैं। आत्मरथ्यस्य तो यद्यप जीवस्य परस्माद अनन्यत्वम अभिप्रेतम। आत्मरथ्य महानुभाव आचार्य के मत में यद्यपि परम तत्व जो है उससे जीव का अनन्यत्व सिद्ध किया गया है, उनको अभिप्रेत है माने मान्य है, स्वीकार्य है, सर्वथा भिन्न ही है, ऐसा नहीं। अभिन्नता वो किसी न किसी दृष्टि से स्वीकार करते हैं।
तथापि प्रतिज्ञा सिद्धे इति सापेक्षत्वाभिधानात् कार्य कारण भावः कियानपि अभिप्रेता इति गम्यते। लेकिन कस्मिन् विज्ञाते, प्रतिज्ञा है, कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, ये कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति। एक पुत्र को पिता ने कहा, अमुक जो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनके पास भेजता हूँ, तुम विद्या पढ़ना। क्योंकि पिता घर का वैद्य अगर घर की रोगी को देखेगा तो रोगी मर जाएगा, क्योंकि उसका ममता के कारण उसकी बुद्धि डमाडोल हो जाती है। तीन खुराक को एक खुराक बना के देगा तो मारे देगा अपने बेटे बेटी को। उत्तम वैद्य डॉक्टर जो होते हैं अपने घर के, या अपनी चिकित्सा भी स्वयं नहीं करते ममता के कारण। अच्छा, जब पथ नहीं देना चाहिए तब दे देगा ममता के कारण। इसीलिए अपने घर के मरीज की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राग वसात। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, बुरा न माने आपके घर में कोई बीमारी नहीं होता होगा अपने घर की चिकित्सा करेंगे, अपनी स्वयं करेंगे तो ममता के कारण, ममता के कारण चपेट में पड़ सकते। अपने बेटे को पढ़ाने लगेंगे तो जो 50 साल में ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है घोटी पिला के एक दिन में देना चाहेंगे, वो पिता का द्रोही बनेगा, महामूर्ख होगा। निम्बार्क विद्यालय के झाजी इतने बड़े विद्वान, अपने बेटे को विद्वान बनाना चाहे अपने समान, एक ही दिन में वो सारी विद्या तो राग के कारण क्या होता है बेटा? अच्छा, बाप को कुछ गिनता ही नहीं प्रायः, गोद में खेलने वाला ना। अब छोटे मोटे व्यक्ति की बात क्या, व्यास जी ने ज्ञान दिया किनको? सुखदेव जी को। सुखदेव जी को पूरा संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने समझ लिया सस्ता ज्ञान मिल गया ना सस्ता ज्ञान मिल गया, क्या पता इससे भी बढ़कर कुछ हो स्थिति। तो उन्होंने कहा अब इसको जरा तपस्या के द्वारा कष्ट पहुँचाओ तब बेटा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा एक यजमान है, उसका नाम विदेह जनक है, जनक तुम सिद्ध हो, आकाश मार्ग उधर तिब्बत की ओर, भगवान वेदव्यास जी रहते थे, या मान लीजिए माना गांव की ओर वही। तो उन्होंने कहा बेटा तुम सिद्ध हो, तुम चाहो तो आकाश मार्ग से 5 मिनट में जनक जी के यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन पैदल जाना, बिना परिश्रम के जो ज्ञान मिलता है वो पच नहीं पाता है प्राय, देखते ही हैं एक घंटे में हम इतनी बात बोल देते हैं, क्या 10 वर्ष तो लग जाए इतनी सामग्री बटोरने में, दिन रात अध्ययन करके कहाँ पचा पाते लोग नहीं पचा पाते, इतने सस्ते में मिल जाते हैं उनको इतनी सामग्री, पचा नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते। और गुरु लोग, अरे ऐसा ज्ञान बताऊँगा 2 मिनट में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, 15 वर्ष 20 वर्ष गधा बना के काम लेते थे, अंत में उनके पास स्वयं वो ज्ञान नहीं था, देते क्या? ऐसे बाबाओं के पास भी मैं रहा हूँ, मुझे ज्ञान व्यान उनसे ज़रूरत नहीं थी, दिल्ली में भगवान सूर्य ने पूरी कृपा कर दी थी, मुझे संसार के लिए कुछ काम करना था, इसलिए एक हिमालय के संत आत्मानंद जी 6 महीने के बाद में कहा कि सुनो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हमने कहा कहिए। मुझे जो प्रयाग में अपने गुरु से ज्ञान मिला वो ब्रह्म विद्या देना चाहता हूँ। तो वो बोले, हमने कहा कि ब्रह्म विद्या का प्रथम चरण आपको प्राप्त है बोलो तुम, जो हम बोलने लगे तो फिर तुम मूर्ख बन के क्यों रहते हो? हमने कहा राष्ट्र का मुझे काम करना है, महापुरुषों के पास रहेंगे विद्वान बन के रहेंगे क्या मिलेगा, इसलिए मैं आपसे ज्ञान विज्ञान लेने नहीं आया हूँ, मुझे राष्ट्र का काम करना है तो बुद्धू बन के ही काम करना होगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा ज्ञान तुमको है? हमने कहा है, आपको जो ज्ञान प्राप्त है वो एक चरण है, 3/4 चरण ब्रह्म विद्या के आपको नहीं मालूम है, संकेत में मैंने कहा। तो क्या हुआ, सुखदेव जी से कहा पैदल चलो, पहुँचे, फिर कहा कि देखो वो यजमान हैं, जब सूचना दोगे व्यासपुत्र में आया हूँ तो प्रणाम करेंगे,
परिक्रमा करेंगे, कहना मैं जिज्ञासु बन के आया हूँ, तब वो परीक्षा लेंगे। एक ही राजा हैं, ब्राह्मण होके जाओगे, मेरे भी यजमान हैं तो प्रणाम करेंगे। इसलिए नेपाल वाले कहते व्यास जी का जन्म हुआ, वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, किसी को भारत के लिए छोड़ते ही नहीं नेपाल वाले। और हमारे एक हैं कमलाकांत झा या क्या, नहीं नारायण झा, वो तो संसार में कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको मिथिला के बाहर का मानते हों, सबका जन्म मिथिले में हुआ नारायण जी तभी नेपाल हम गए, व्यास जी का जन्म वहाँ, वाल्मीकि जी का जन्म, अब व्यास जी का यमुना तट पे जन्म हुआ, नेपाल में यमुना है ही कहाँ काल्पी गांव है वहाँ व्यास वन भी आजकल, सबका जन्म नेपाल में हुआ। हम चुपचाप सुनते रहे क्या खंड प्रशंसा में तात्पर्य। तो वेद व्यास जी ने भेजा, फिर क्या हुआ, परीक्षा ली गई, होते 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 अंत में कहा कि सुखदेव जी आपके पिता ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान परिपूर्ण है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे पिता ने सोचा मैं पढ़ाऊँगा तो ये पढ़ पावे ना पढ़ पावे, अपने मित्र के पास भेज दिया, बेटा पढ़ लिख के आया तो बाप को प्रणाम भी ना करे तो पिताजी के पास उस मुझे ऐसा ज्ञान थोड़े है। तो उन्होंने सोचा अच्छा हुआ हमने इसको पढ़ने के लिए भेजा, ये इतना गुमानी हो गया, इसके भूत को निकालना चाहिए, अभिमान को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनो तुम्हारे गुरु से तुमको ये विद्या प्राप्त हुई कि किस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। उसने सोचा कि अगर कहूँगा कि गुरु जी से नहीं ये विद्या सीख पाए तो फिर जाओ सीखना, कौन जाए गुरुकुल में रोटी मांग मांग के खाने, ठीक नहीं। उन्होंने कहा मैं उनका बहुत प्यारा शिष्य था, वो जानते होते जरूर मुझे बताते आज ही के बच्चे खूब चतुर नहीं होते, उस समय की होते थे। मेरे गुरुजी का मैं इतना प्यारा शिष्य था, वो जानते होते तो मुझे ज़रूर बताते। मन में क्या भाव था, अगर कहूँगा कि गुरुजी ने फिर जाओ, फिर वो कौन रोटी भीख मांग के पावे। तब सोचा वो हो जो मुझे गुरु जी से प्राप्त नहीं हुआ मेरे पिता को वो भी ज्ञान प्राप्त है। तब उन्होंने कहा कस्मिन विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवती, बेटा तुमने उस तत्व को जाना तो भूत प्रेत अहंकार का लग जाता है ना, तो गुरुओं का काम है पहले उस भूत प्रेत को उतारो, माने अहंकार के कारण उन्मत्त हो जाता है, तो भूत प्रेत को उतार दिया तो विनम्र हो गया। जैसे भूत प्रेत लगा था ना किसको, रघुगण को, अहंकार पालकी पर जो बैठे हैं उनको अहंकार इतना था कि उनको हाँ हो गया। तो फिर क्या है, भरत जी ने अहंकार का परिचय नहीं दिया, उसके भूत को उतारा, क्योंकि एक गुण अच्छा है कि कपिल महात्मा के पास ज्ञान लेने जा रहा है, दूसरा राजमद है, राजमद को उतार दूँ। तो फिर वो राजमद को उतार दिया तो शरणागत हो गया बेचारा, जनेऊ देखा तो ब्राह्मण का भक्त था। तब वही है वहाँ पर कस्मिन विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवती, कौन ऐसा तत्व है जिसका ज्ञान हो जाने पर पृथक से एक एक वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं होती, सर्व का ज्ञान हो जाता है। सुवर्ण को जानेंगे तो सकल सुवर्णाभूषण कटक कुंडलादि और सुवर्ण पात्रों का ज्ञान होगा या नहीं, इसी प्रकार सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म एक तत्व है जिसका विवर्त या कार्य सारा जगत है, उसके विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जाता है यह कहा। इसीलिए प्रतिज्ञा सिद्धि, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान, जैसे लोहे के विज्ञान से लोहे के समस्त पात्रों का ज्ञान हो जाता है, मिट्टी के ज्ञान से घटादि का ज्ञान हो जाता है। इति सापेक्षत्वाभिधानात् कार्य कारण भावक ज्ञान अप्यभिवेता इति मान्यते, सापेक्ष है फिर उसके ज्ञान से इसका ज्ञान हो गया, फिर कार्य कारण भाव का निर्धारण होता है। इस प्रकार से अगर ब्रह्म तत्व से पृथक जीव होगा, ब्रह्म ही उपाधि विशेष के योग से जीव भावापन नहीं होगा, तब तो उसको फिर पृथ्वी जल तेज आदि के समान कार्यकोटि का मानना पड़ेगा, तब फिर उसकी जो ब्रह्मरूपता सिद्ध होगी, जगत की ब्रह्मरूपता के सदृश सिद्ध होगी, वो ब्रह्मरूपता यहाँ पर मान्य नहीं है। तो ये कहते हैं
आत्मरथ जी कहते हैं एक प्रकार से तो परम तत्व से अभिन्नता ही जीव की सिद्ध है, क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है। तो सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम, इन सब दृष्टियों से सच्चिदानंद मात्रम जगत की भी ब्रह्म रूपता हो जाती है। तो ब्रह्म का कार्य अगर जीव को मान लेंगे तो भी तो जीव की ब्रह्म से एकता सिद्ध हो ही जाएगी। जब घटपटादि की एकता ब्रह्म से सिद्ध हो जाती है, इसी प्रकार चेतन होता हुआ भी कार्य कोटि प्रविष्ट जीव होगा तो उस परमात्म तत्व से जैसे घटपटादि और मृतिका इत्यादि का एकत्व ब्रह्म से हो जाता है, उसी प्रकार जीव का एकत्व भी हो जाएगा, अभेद भी सिद्ध हो ही सकता है। यह कहा, एक पंक्ति और कर दें, आत्मरथ महानुभाव तो फिर कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। यहाँ जीव और ब्रह्म में कार्य कारण भाव है नहीं, इसलिए काश कृष्ण का मत जो है समीचीन है। औडुलोमी का जो पक्ष था उसको रखते हैं पुनः, औडुलोमी पक्षे पुनः स्पष्ट स्पष्टमेव अवस्थानांतरापेक्ष भेदाभेदो गम्यते। आजकल जो निम्बार्क संप्रदाय आदि में है भेदाभेद पक्ष होता है, एक रकम से वो बोलते हैं राजस्थान, एक रकम से ठीक एक रकम से गलत, एक रकम से जीव ब्रह्म है एक रकम से नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव मालवी मदन मोहन मालवीय जी का शास्त्रार्थ हो रहा था, दो वैश्य थे जज, एक जयदयाल गोविंद का एक गौरी शंकर गोविंद का, जज कौन थे ये दो गोविंद का। तो गौरी शंकर गोविंद का ने कहा अच्युत ग्रंथमाला के संस्थापक कि भाई तू राजस्थान में बोल के कहा जयदयाल, ये दोनों में किनका पक्ष है ठीक, मालवीय जी का पक्ष या कर्पात्री जी का। तो उन्होंने कहा एक रकम से मालवीय जी का पक्ष ठीक है, एक रकम से कर्पात्री जी का पक्ष ठीक है, ओम की दीक्षा सबको देनी चाहिए, ये मालवीय जी का पक्ष था, और समुद्र पार की यात्रा भी करनी चाहिए, ये सब ढुलमुल जैसे होता है आधुनिक हिंदुत्व। तो उस पर गुरुदेव का कहना था नहीं, ओम की दीक्षा मुख्य हो ये सब। तो गौरी शंकर गोयनका ने अपने मित्र जयदयाल गोयनका को डांटते हुए यहाँ भी बनियागिरी करने लगा, एक रकम क्या, अरे सत्य तो सत्य है बोल। उन्होंने कहा मैं बनिया हूँ, ये ब्राह्मण होते हुए सन्यासी हैं, ये ब्राह्मण है, मेरे दोनों पूज्य हैं, मैं किसको कहूँगा कि गलत है। तो एक रकम से कर्पात्री जी ठीक कहते हैं, एक रकम से मालवीय जी ठीक कहते हैं। अंत में गौरी शंकर गोविंदकार ने कहा तो मालवीय जी आप ही बताइए। उन्होंने कहा कर्पात्री जी महाराज का पक्ष ठीक है, मेरा पक्ष जरा ढुलमुल है, बात हो गई। हाँ मालवीय जी को पटा लिया गया था, समझ गए। ये जयदयाल गोविंद का ये सब भागवत का प्रकाशन करने जा रहे थे रास पंचाध्यायी रहित, क्योंकि अश्लीलता की पराकाष्ठा है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो पढ़ेगा रासलीला वाला वो उन्मत्त हो जाएगा। मालवीय जी ने कहा बात ठीक है, सदाचार की रक्षा के लिए रास पंचाध्यायी हटा दो। तब पूज गुरुदेव के पास गई यह बात, उन्होंने कहा रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय है। वहाँ फिर महाराज ने जो युक्तियाँ दी तो मालवीय जी को और जयदयाल जी को फिर पच गई। उसी के आधार पर श्रीमद् भागवत जो मूल और अर्थ सहित गीता पर से प्रकाशित है उसमें उसको स्थान मिल गया रास पंचाध्यायी को, नहीं तो गीता प्रेस तो स्थान ही नहीं दे रहा था। इस प्रकार से एक रकम की बात आ गई, एक रकम से वो कहते हैं कि जीव ब्रह्म है, एक रकम से नहीं है। यह जो भेदाभेद का पक्ष होता है वो कैसा है, जिसकी कहीं उड़ गई है। हाँ तो फिर हम भेदाभेद का पक्ष कैसा है, तो एक जो व्यक्ति है पयोव्रति है, पयोव्रति दूध पी के ही रहूँगा, हमारे कौन है महानंद ब्रह्मचारी जी,
पयोव्रति, एक है गोरसभ व्रति। गोरसभ व्रति जो है दूध भी पी लेगा, मट्ठा भी पी लेगा, मक्खन भी चट कर जाएगा, घी भी चट कर जाएगा, रबड़ी भी घर खट जाएगा, क्यों गोरस उसका व्रत छूटेगा नहीं, सब चट। और जो पयोव्रति है वो दूध के अलावा, गोरस में दूध भी तो है, दूध के अलावा अगर उसने मक्खन खा लिया तो व्रत टूट जाएगा। तो गोरसत्व न दूध का इन सब का भेद है, लेकिन एक रकम से गोरस होता हुआ भी गोरस से भिन्न है कौन। सुवर्णत्व न कटक मुकुट कुंडलादि का भेद है, लेकिन विशेष रूप से कटक मुकुट कुंडल में भेद भी है, एक रकम से अभेद एक रकम से भेद, निम्बार्कवाद हो गया, श्री निम्बार्काचार्य भेदाभेदवाद हो गया, एक रकम से भेद। एक थे पुराने में, अब नहीं, पुराने लोग जाट की बहुत प्रशंसा करते थे, माने उनके नाम पे बहुत जोक कहते हैं, जोक को माने विनोद चलता था, जोक से जोकर बना जोक। तो एक भाई गया अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल में, घर के सब लोग आ गए, तुम्हारी बहन बड़ी चटोरी है, क्या करती है, दूध ही पी लेती है, दूध पी लेती है। एक ने कहा मट्ठा के बहुत प्रेमी है, मट्ठा भी पी लेती है। एक ने कहा मक्खन खा लेती है, एक ने कहा रबड़ी खा लेती है, एक ने कहा छेना खा लेती है, बहुत कुछ। जितने व्यक्ति आए सब ने एक एक शिकायत की। अब बहन को बुलाया, आगे मैं आऊँ एक शिकायत मिलने चाहिए, जितना घर में दूध होता सब पी जाती है, दूध से पूरा पी जाती, एक शिकायत में सह सकता हूँ, आगे से दो चार शिकायत नहीं। कोई कहता है, कोई कहती है कि दूध पी जाती है, कोई कहती है मक्खन खा जाती है, अब से प्रतिज्ञा कर लो जितना दूध हो घर में चट कर जाओ अकेले, एक शिकायत मिलनी चाहिए बहुत नहीं। तो श्री निम्बार्क संप्रदाय वाले कहते हैं गोरसत्व न भेद होने पर भी दूध दूध ही है, मक्खन मक्खन है, और मट्ठा मट्ठा है, रबड़ी रबड़ी है, छेना छेना है, और क्या कहते हैं छोलते हैं तो मथुरा में खुरच खुरच, हाँ मथुरा में इतने दूध का ओढ़ते फिर वो जल स्वामी को बहुत पसंद था, खुरचन, हाँ खुरचन। गोरसत्व सब में अभेद हो गया, हाँ भाई खुरचन हमको पवाते थे जय स्वामी। और ये सेम के बीज को भुनवा के किसी को बांटिएगा नहीं, 200 रुपये किलो हैं ये, आप बहुत प्यारे हमको इसलिए दिया, किसी को बांटिएगा नहीं, आपका स्वभाव बड़ा विचित्र है, बांट देते हैं। तो क्या हुआ फिर खुरचन, तो गोरसत्व सब में क्या हो गया अभेद, आप व्यक्तिगत रूप से गिलास गिलास है, लोटा लोटा है, चांदी के बहुत से पात्र हैं, तो आप क्या हो गया एक रकम से भेद एक रकम से भेद। इसी प्रकार से भेदाभेदवादी जो आचार्य हैं वो कहते हैं जीव का एक रकम से एक प्रकार से ब्रह्म से अभेद है, दूसरे प्रकार से अभेद। ट्रेन न छूट जाए आप लोगों को जिनको जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।